एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली ठीक ठाक होंगे। सो गाइज, आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं। व्हाट डे इज टुडे? टुडे इज फ्राइडे, नहीं थर्सडे। सो टुडे इज थर्सडे और आज मुझे जाना था अपनी फ्रेंड्स के साथ आउटिंग पे भी। कल मैं अपनी मदर के घर से रिटर्न आ गई थी। और गाइज, अभी जो है ना, मैं जा रही हूँ लकी वन मॉल अपनी फ्रेंड्स के साथ। वहाँ पे थोड़ी सी गेट टुगेदर के लिए जा रही हूँ मैं अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए। और आप मेरी फ्रेंड से पहले भी मिल चुके हैं और अभी भी मिलते हैं। अभी देखो हम लोग क्या करते हैं, वंडरलैंड भी जाएंगे। मैं तो राइड्स नहीं लेती, मेरी फ्रेंड्स वगैरह राइड्स वगैरह लेंगी, तो फिर चलते हैं वहाँ पे। और अभी जो है मैं रेडी हो गई हूँ, मैं आपको अपना आउटफिट वगैरह दिखाती हूँ। मैंने जो है ये अपने ब्राउन कलर की जो है फ्रॉक और ये मैंने आउटफिट वेयर किया है और बस अब मैं रेडी हो गई हूँ और बस अब मैं निकलूँगी। मेरे साथ ना एक सीन भी हो गया था। सीन ऐसा हुआ कि मेरी आईब्रोज आप देख सकते हैं यहाँ से ना बहुत लाइट है, तो पता नहीं यहाँ पे ना कैसे गैप आ गया, क्या हो गया समझ नहीं आ रहा। अभी मेरी आईब्रोज ना बहुत अजीब सी लग रही हैं, तो मैं आईब्रोज बनाना भी भूल गई थी। मैंने कहा आप लोगों को भी बताऊँ, अभी मैं इसको फिलअप करूँ, अजीब सी लग रही है। मैंने पूरा मेकअप कर लिया लेकिन आईब्रोज नहीं करी, तो मैं आईब्रोज कर लूँ। वंडरलैंड में ना वॉइस बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए जो मैंने मतलब वॉइस इसकी बंद कर दी है। बाकी जो है मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ गई थी यहाँ पर, हम लोग को काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी इन्जॉय किया मैंने। हम लोगों ने यहाँ पर खूब हंसी मजाक किया, काफ़ी दिनों बाद मिले थे। और यहाँ की राइड्स भी काफ़ी अच्छी थी। इस तरीके का जो होता है कार्ड होता है, फिर आप उसको यूज़ कर सकते हो, सारी राइड्स ले सकते हो। काफ़ी मज़ा आया था और रोलर कोस्टर वगैरह भी थी और मुझे तो साका बहुत अच्छा लग रहा था, कलरफुल था सब कुछ। लेकिन मैंने राइड्स इतनी ज़्यादा नहीं ली क्योंकि मैं नहीं लेती, बताया मैंने आपको पहले ही। लेकिन काफ़ी मज़ा आया था। अगर आप लोग जाना चाहो तो चेक कर सकते हो, जिनके बच्चे हैं अपने बच्चों को लेके जाएं, वो ज़्यादा इंजॉय करेंगे, बड़े लोग इतने ज़्यादा नहीं करेंगे। जो लोग मतलब राइड्स वगैरह नहीं लेते तो वो लोग, उनके लिए बेकार जगह है, फिर आप वहाँ पर नहीं जाओ। लेकिन जिनके लिए जो है, जो शौकीन है राइड्स वगैरह लेने के लिए, वो ज़रूर जाएं। मैं तो ऐसे ही बस खड़ी हुई थी, इधर उधर घूम रही थी, बाकी जो है मेरी फ्रेंड्स वगैरह इंजॉय कर रही थी। और ये वाला तो बहुत ज़्यादा ही ख़तरनाक था, मतलब मुझे तो देख के इतने आ रहा था, ऊपर से लगे। कौन सी वाली बैठो? ग्रीन फरिया, मुझे चलाना नहीं आती फरिया, बस क्या करने, कुछ दबाना है क्या इसको? और ये यूं यूं उड़ता रहना है। यार मेरी चलनी नहीं है, तुम तो हटो सफिया, मेरी हटे। और यहाँ जो है मेरी तीन फ्रेंड्स खतरों के खिलाड़ी बनते हुए ये इन्होंने ये वाला गेम सेलेक्ट कर लिया था, लेकिन बहुत टफ था। आगे जाके तो ये लोग फंस ही गए थे, आप सामने इनको देख सकते हैं, इतनी मुश्किल थी। इसमें आपके हाथ इतने पंप हो जाते हैं, ये लड़कों के बस के। और या जो लड़कियाँ बहुत ज़्यादा फिट होती हैं उनके लिए, ये हम लोगों के लिए तो नहीं था, मैं तो नहीं गई बिल्कुल। लेकिन एंड में भी आप देखिए कितना बुरा तुम लोग। ये इतना टफ है, सामिन वापस आ जाओ। वापस आते हुए बिल्कुल भी नहीं पार कर सकते, बहुत ज़्यादा टफ है ये। और यहाँ जो है ना मेरी एक फ्रेंड है, उसका जो है ना पिकाचू निकल गया था, फिर हम लोगों ने ट्राई किया कुछ और भी। और यहाँ पर जो ये वाला जो झूला है ना, मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत ख़तरनाक था। फिर इन लोगों ने ये बास्केट वाला गेम खेला, काफ़ी मज़ा आया। और यहाँ पर मैं पांडा निकालते हुए, मेरा बिल्कुल भी पांडा, यहाँ पर झूल रही है तो हेलो सामी, कहाँ निकालना चाह रही है ना? वॉच वॉच ब्रेसलेट भी अच्छा है, वो गोल्ड वो सिल्वर वाला।
सारे पैसे खत्म हो गए और फरिया को ये मिला, दिखाओ ये। मेरे बेटे के लिए नहीं मिला और हमें, मुझे भी कुछ नहीं मिला। मैंने इतनी बहुत ज्यादा दफा हम लोगों ने ट्राई किया लेकिन कुछ भी नहीं मिला। हम लोग कुछ खाने पीने के लिए आए, बर्गर क्लॉक उस साइड पर है, केएफसी खाना था मुझे लेकिन केएफसी आज नहीं खा रही क्योंकि किसी को भी नहीं खाना। और फिर हम लोग बर्गर क्लॉक चले गए और यार मेरी फ्रेंड स्वीट आर्ट ने जो है हमें बर्गर खिलाए। एक्चुअली हमें सबको अपना अपना पे करना था लेकिन उसने हमारा पे किया, लेकिन खैर थैंक अ लॉट। बाकी लोगों को काफ़ी मज़ा आया बर्गर क्लॉक के लिए शाउट आउट है कि यार बहुत मज़ा आ गया था, मुझसे फिनिश नहीं हुआ था, काफ़ी अच्छा था और पेट भर गया था, काफ़ी मज़ा आया यहाँ पर। आप देख सकते हैं क्वालिटी भी बहुत अमेजिंग थी और बस अब जाने का टाइम हो गया था यहाँ पर और मैं भी जो है वेट कर रही थी साथ का कि वो मुझे लेने के लिए आ जाए। और यहाँ पर स्टेयर्स पे बैठ के तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। फाइनली एट होम, बहुत ज़्यादा थक गई यार मैं आज, बहुत ज़्यादा पाँव रोक रहे हैं, आई डोंट नो क्योंकि अभी मेरी तबीयत भी ख़राब थी ना, तो उसके बाद से मुझे उतना ज़्यादा वॉक किया चला जा नहीं रहा। एनीवेज छोड़ो यार, बहुत मज़ा आया, थैंक्स ऑल। काफ़ी थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो गया फ्रेंड से मिलने के बाद। और बाकी वंडरलैंड मुझे इतना ज़्यादा कोई पसंद नहीं आया क्योंकि मैंने वहाँ पे बस इसी लोगों को देख के वहाँ का एनवायरनमेंट इन्जॉय किया, राइड्स वगैरह मैं नहीं लेती, ना झूले झूलती हूँ, कुछ नहीं, मुझे बहुत डर लगता है बहुत ज़्यादा। लेकिन यहाँ फिर भी मज़ा आया दोस्तों से मिलके और थैंक्स अ लॉट एवरी वन, फरिया, सामिन, सफिया, बहुत 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 मज़ा आया। सो एंड ऑफ दिस वीडियो मैं सिर्फ ये बोलना चाहूँगी कि देखिए हम लोग जो है ना बहुत पुराने दोस्त हैं, जब हम लोग बहुत छोटे छोटे से थे हम लोग जब से अब तक है, तो आप लोग भी जो है ना अपने फ्रेंड्स के साथ हमेशा कनेक्ट रहा करो, मिल लिया करो, जब मौका लगे एक गेट टुगेदर कर लो या मिल लो फ्रेंड्स के साथ बैठ के ना, आपका एक वो एक थेरेपी सेशन हो जाता है जो माइंड फ्रेश रिलैक्स हो जाता है एकदम। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।